अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। हम लोग मॉडल पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं। अब मॉडल पेपर का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, मॉडल पेपर का सेक्शन सी कंपलसरी का। सही है, मॉडल पेपर का सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी एक। आइए जरा पढ़ते हैं मेरा बच्चा। द फॉलोइंग बैलेंस इज टेकिंग फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रजा ट्रेडर्स एज ऑन December 31, 2020। आइए जरा देखते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस ऊपर का डाटा है, ऊपर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ही लिखा हुआ होता है। कैश पड़ा हुआ है इस इदारे के पास 42,000, अकाउंट्स रिसीवल पड़ा हुआ है इनका 48,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी पड़ा हुआ है एक एक 2020 का मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी है ये, ओपनिंग इन्वेंटरी है ये, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड होता है December 31, वो 12वां महीना होता है ना, 12th हमारा लास्ट मंथ होता है ना वो, तो वो एंडिंग होती है और एंडिंग की बात अमूमन नीचे दी हुई होती है अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से दिया हुआ है, तो फिर ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऊपर पड़ी हुई है एज एंडिंग के तौर पे लिखते हैं हम, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ। खैर ये वो सवाल नहीं है जो मैंने आपको अनसॉल्व कराया था जिसमें ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से दिया हुआ था, ये वो सवाल नहीं है, ये तो बहुत सादा सा सवाल है। ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है यानी पहली तारीख को पहला महीना ओपनिंग बैलेंस है ना ये 2020, आप तो साल के एंड पे आ चुके हो, December 31 पे आ चुके हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड पे बनती है ना आपकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपका बनता है ये अकाउंटिंग ईयर एंड के ऊपर, जो भी क्लोजिंग ईयर होता है आपका। अच्छा, मर्चेंट इन्वेंट्री पड़ी 18,000, फर्नीचर 1,30,000, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का पहले से दिया हुआ है 13,000 रुपए, अकाउंट्स पेबल है 17,000, कैपिटल रजा 1,60,000, सेल्स रेवेन्यू है हमारा, कैपिटल हमारी ओनर इक्विटी है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है 1,06,000, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट असेट है, सैलरी एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न सेल्स का कॉन्ट्रा है, ऑपोजिट अकाउंट है, नेट सेल्स निकालते वक्त काम आता है, सेल डिस्काउंट भी काम आता है, डिस्काउंट तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, ड्रॉइंग रजा ओनर इक्विटी को कम करेगी ड्रॉइंग। अब आ जाओ जरा सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट, नीचे लिखा हुआ है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ अनपेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस होती है हमारी, और अगर तुम्हें कंफर्म नहीं हो रहा हो तो ऊपर देख भी लिया करो सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, अगर किसी एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्रूड या पेबल लिखा हुआ आ जाए तो आप बगैर फर्क निकाले एंट्री पास करते हैं एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अच्छा एक बात जरा ना अपने पास दिमाग में बिठा लेना, जरा गौर से सुन लेना, देखो अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस नहीं दिया हुआ कोई भी, मतलब कोई एक्सपेंस ऐसा है तो तुम्हें नहीं दिया हुआ और वो एक्सपेंस सिर्फ तुम्हें एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस, अब ये सैलरी एक्सपेंस ऊपर नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कोई भी एक्सपेंस, मैं मिसाल दे रहा हूँ सैलरी एक्सपेंस की, रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ऊपर नहीं दिया हुआ, तो याद रखना हम एंट्री एक्सपेंस पेबल की बनाएंगे एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की, ये याद रखना इस बात को, एक्सपेंस पेबल की एंट्री बनेगी, फर्क तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ऊपर थोड़ी मौजूद है वो, ये कब होगा जब सिर्फ नीचे कोई एक्सपेंस लिखा हो, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस नीचे लिखा होगा तो अक्रूअल बेस अकाउंटिंग होती है हमारी, एडजस्टिंग जो होती है वो अक्रूअल बेस होती है, एडजस्टिंग एंट्री जो होती है, तो अक्रूअल बेस के मुताबिक कोई भी एक्सपेंस नीचे लिखा हुआ हो वो हमारा एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास होगी, याद रखना वो एक्सपेंस सिर्फ नीचे दिया हुआ हो ऊपर नहीं है, क्लियर है, क्लियर है, सिर्फ नीचे दिया हुआ हो। अब अगर प्रीपेड दिया हुआ है उसका तो मत कर देना ये काम, अगर उसका प्रीपेड दिया हुआ है तो मतलब वो चीज आपको नजर ही नहीं आ रही, मतलब फॉर एग्जाम्पल ना ऊपर प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ है ना ऊपर सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, सैलरी से ताल्लुक रखने वाली चीज ऊपर कोई दी हुई नहीं है, ना प्रीपेड सैलरी दिया हुआ है ना सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एक्सपेंस, तो फिर एक्सपेंस पेबल की एंट्री बनेगी बगैर फर्क निकाले, क्योंकि फर्क तो निकाल सकते ही नहीं हो तुम, जो नीचे लिखा है उसी की एंट्री एक्सपेंस पेबल की यानी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, अगर सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट, अगर रेंट है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट। खैर यहां पर तो बाकायदा सैलरी एक्सपेंस ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे अन आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, जब भी सैलरी एक्सपेंस सॉरी जब भी किसी एक्सपेंस के साथ अनपेड आउटस्टैंडिंग पेबल या एक्रूड लगा हुआ हो तो आप बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास करेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री बना लेते हैं, मैसर्स
रजा ट्रेडर्स, जनरल जर्नल एडजस्टिंग। सबसे पहली एडजस्टिंग है हमारी सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और सैलरी पेबल क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। या टू रिकॉर्ड सैलरी पेबल भी लिख सकते हो। कितना है हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है तो बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास करेंगे 4,000 रुपए। चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब है प्रीपेड है, नीचे एसेट लिखा हुआ है। अनएक्सपायर्ड का मतलब है नीचे प्रीपेड है, एसेट लिखा हुआ है, एसेट लिखा हुआ है। ऊपर देखो इंश्योरेंस से मुतालिक कोई चीज लिखी हुई है, प्रीपेड इंश्योरेंस, दोनों एसेट है, फर्क निकलेगा। जरूरी नहीं है कि ऊपर प्रीपेड हो तो नीचे भी प्रीपेड ही हो, नफल वही है, नफल वही है। ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, नीचे इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड एसेट ही होता है, प्रीपेड ही होता है, फर्क निकलेगा, फर्क निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा फर्क। ऊपर भी प्रीपेड वाला एसेट है, नीचे भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड की निशानी है। आप लेटर्स मत मिलाया करें कि ऊपर भी पी नीचे भी पी, ऊपर भी आर नीचे भी आर, ई ई, ये नहीं होता। नसल चेक करो, नसल, नसल वही है। ऊपर भी प्रीपेड वाला एसेट है, नीचे भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड वाला ही एसेट है, फर्क निकलेगा। सबसे पहले फर्क निकाल लो। ऊपर दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000, नीचे दिया हुआ है 10,000। एंट्री बनेगी 6,000 से। अब एंट्री क्या बनेगी, जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट सेम होते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि प्रीपेड वाला एसेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। प्रीपेड का कम होना एक्सपेंस का बढ़ना, प्रीपेड का कम होना एक्सपेंस का बढ़ना। सर हमें कैसे पता लगा प्रीपेड कम हो रहा है, एडजस्टमेंट से पता लगता है। एडजस्टमेंट में प्रीपेड लिखा हुआ है 10,000 और ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000। एडजस्टमेंट में अनएक्सपायर्ड प्रीपेड आपका एसेट ही है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस सॉरी वो आपका प्रीपेड ही है। तो एडजस्टमेंट में जो अनएक्सपायर्ड लिखा है वो प्रीपेड ही है, वो एसेट लिखा हुआ है। और ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस वो भी एसेट है, हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, फर्क निकाल लिया। 6,000 से एंट्री बनेगी। फैसला ये करना है एंट्री बनेगी क्या। मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था प्रीपेड का कम होना एक्सपेंस का बढ़ना। प्रीपेड कम कैसे हो रहा है, एडजस्टमेंट से पता लगेगा। ट्रायल बैलेंस में 16,000, एडजस्टमेंट में 10,000 है। 6,000 रुपए से प्रीपेड कम हो रहा है तुम्हारा। प्रीपेड का कम होना एक्सपेंस का बढ़ना। प्रीपेड से निकालो एक्सपेंस में डालो, प्रीपेड से निकालो एक्सपेंस में डालो। प्रीपेड से निकालूंगा प्रीपेड कम हो जाएगा, हाँ सर। एक्सपेंस में डालूंगा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, हाँ सर। एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। कितना, 6,000। नरेशन टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। सर टू रिकॉर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रीपेड रिकॉर्ड हुआ है। जिसको रिकॉर्ड किया है उसकी नरेशन लिखा करो अगर टू रिकॉर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, वरना एडजस्टिंग एंट्री में टू एडजस्ट से भी नरेशन स्टार्ट होती है। उसमें फिर आपने जिसको कम ज्यादा किया है ना, कम ज्यादा किया है आपको, जो पहले से चीज रिकॉर्ड हुई थी आप उसको लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीपेड को यहाँ एडजस्ट किया है, तो अगर मैं टू एडजस्ट लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। और अगर मुझे कोई रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करनी है तो जो पैदाइश हुई है ना यहाँ पर नए बच्चे की, वो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस की। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का लिखेंगे आप। और अगर आप तबादले करना चाह रहे हैं तो प्रीपेड में आपने तबादला किया है और पैदाइश जो हुई है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस की हुई है। पैदाइश का मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो इंश्योरेंस एक्सपेंस को, और अगर टू एडजस्ट से नरेशन स्टार्ट करनी है तो फिर आप टू एडजस्ट इंश्योरेंस सॉरी टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस लिखोगे। खैर हम यहां पर रिकॉर्ड लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। मॉडल पेपर का 10% डेप्रिसिएशन वॉज एस्टिमेटेड ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पे 10% डेप्रिशिएट हो गया है। डेप्रिशिएशन लगता ही फिक्स एसेट पे, जमीन पर नहीं लगता डेप्रिसिएशन।
लैंड कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड, याद रखना, बिकॉज लैंड हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। ये एमसीक्यू आ सकता है कि जमीन डेप्रिशिएट होती, कौन सा फिक्स एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता? तो फर्स्ट ईयर में आपको लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, ये टिक मार देना जमीन पे। अच्छा, फर्नीचर पे आपका 10% डेप्रिसिएशन लगा है भाई। अब ये फर्नीचर आप ऊपर तलाश करें, 130,000 रुपए। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को मत देखना, मैं चप्पल मारूंगा मुंह पे खींच के। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ये जो पहले से पड़ा हुआ है ना, जो ऊपर पड़ा हुआ है पहले से, ये पिछले साल का डेप्रिसिएशन है, चार्ज हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है इसका। आपको एंट्री बनाते वक्त जो मैंने बताया है, बस आपने वही करना है। एंट्री के रूल अलग होते हैं, पोस्टिंग के रूल अलग होते हैं। पोस्टिंग के रूल क्या होते हैं? डेबिट डेबिट जमा, क्रेडिट क्रेडिट जमा, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, क्रेडिट डेबिट माइनस, ये पोस्टिंग के रूल होते हैं जो आप पोस्टिंग करते हो ना बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में। अभी आप एंट्री बना रहे हो, एंट्री के रूलों में, रूल में जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है आपने। 10% आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, तो फर्नीचर ऊपर है 130,000, और अगर मैं इस पर 10% लगाऊं तो ये आ जाएगा 13,000। इसकी फिक्स एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस होता है, बढ़ेगा डेबिट। अलाउंसेस और डेप्रिसिएशन फिक्स असेट का कॉन्ट्रा होता है, फिक्स असेट की नेचर होती है डेबिट की, तो उसके कॉन्ट्रा की नेचर क्या होती है? क्रेडिट की। इसलिए अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं इसको, और इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। कितना है बेटा? 13,000। नरेशन लिखोगे इसकी, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देखो, जब भी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, समझ जाना आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा डेप्रिसिएशन वाला। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की आपस में जोड़ी होती है। जब भी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ेगा, ये याद रखना इस बात को। क्लियर है? क्लियर है? जैसे पेबल के साथ एक्सपेंस की जोड़ी होती है ना, पेबल के साथ एक्सपेंस की जोड़ी होती है, पेबल के साथ, और रिसीवेबल के साथ इनकम की जोड़ी होती है। रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, याद है एंट्री बनाई थी आपने? एक्रूड अगर किसी इनकम के साथ एक्रूड आ जाए, इनकम के साथ एक्रूड, रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग आ जाए इनकम के साथ, तो एंट्री बनती है रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब अगर वो कमीशन है तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। खैर, मैं उस बात पे अभी नहीं जा रहा, दोबारा आ जाओ अपने सवाल पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ये 10% हमने फर्नीचर पे लगाए, 130,000 का 10%, तो ये आ गया 13,000। आपने इसकी एंट्री पास कर दी। उसके बाद बोलता है वो, उसके बाद बोलता है प्रोवाइड बैड डेट्स एट 2% और नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी पहले तुम्हें, फेयर में निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पास कैलकुलेट करने के लिए निकाल लो। नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी, याद रखना, नेट सेल्स का जो 2% होगा वो बैड डेट की अमाउंट होगी, और हम एंट्री उसकी पास करेंगे। तो आइए जरा अमाउंट निकाल लेते हैं। मुझे बताओ पहले नेट सेल्स कितनी है? सर नेट सेल्स तो हमें बनानी पड़ेगी। नेट सेल्स कैसे बनती है? सेल्स में से सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट माइनस कर दो, नेट सेल्स आ जाएगी। अब अगर सिर्फ सेल रिटर्न दिया हुआ है तो सेल रिटर्न माइनस कर दो, डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो दोनों माइनस कर दो। मेरे ख्याल से सवाल में सिर्फ सेल रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपए, और सेल्स है आपकी 210,000, तो ये आपकी आ गई ग्रॉस सेल्स। अच्छा, ये फेयर में करना नहीं है, मैं इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूं, फेयर में नहीं करना, ये समझाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ। लेस सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न दिया हुआ है ना सवाल में सिर्फ, और अगर इसने लिखा हुआ भी ना हो ना ऑन नेट सेल्स, लिखा हुआ भी ना हो, सिर्फ लिखा हुआ 2% ऑन सेल्स, सिर्फ ये लिखा हुआ 2% ऑन सेल्स, 3% ऑन सेल्स, सेल्स का भी नाम दिया हुआ ना सिर्फ, तो भी नेट सेल्स पे ही परसेंटेज लगाओगे। तो क्लियर यहां तक बात? तो भी नेट सेल्स पे ही परसेंटेज लगाओगे। अगर उसने नेट सेल्स ना लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हो सेल्स, बेडेड एट 2% ऑन नेट सेल्स, या सेल्स लिखा हुआ है खाली,
तो भी तुम नेट सेल्स पे लगाओगे। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ सेल्स वेल्स, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना सेल्स लिखा हुआ, नेट सेल्स पे लगा, तो मत लगा देना अल्लाह के वास्ते परसेंटेज, तो मत लगा देना परसेंटेज। क्लियर है मेरा बच्चा? तो फिर परसेंटेज या तो अकाउंट रिसीवेबल पे लगेगी, आमतौर पर अकाउंट रिसीवेबल पे लगती है परसेंटेज, अगर वो खुद लिख के दे रहा है तुम्हें। देखो ये सवाल में तुम्हारी मैं कुछ लर्निंग, कुछ इजाफी बातें भी बता रहा हूं। अगर सवाल में लिखा हुआ हो ना कि 2% प्रोवाइडेड बैड डेट 2%, सिर्फ परसेंट लिखी हुई है, तो फिर आप अकाउंट रिसीवेबल पे लगाएंगे। और अगर परसेंटेज ऑन सेल्स लिखा हुआ है तो फिर आप नेट सेल्स पे लगाएंगे। कह रहे मेरा बच्चा, सेल्स भी लिखा हो तो भी नेट सेल्स पे लगाओगे, ये कहने का मतलब है। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ परसेंटेज दी हुई है, तो फिर अकाउंट रिसीवेबल पे लगाओगे परसेंटेज, सिर्फ बैड डेट की अमाउंट निकालने के लिए। एंट्री तो वही बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट, सेल रिटर्न माइनस कर दो 10,000, ये हो गया आपका 2,00,000, ये आ गई आपकी नेट सेल्स। अब इस 2,00,000 पे तुम लगा दो 2% ताकि तुम्हें तुम्हारी बैड डेट की अमाउंट निकल के आ जाए। भाई ये आ रहा है 4,000, इस 4,000 की आप एंट्री बना दे भाई, फिक्स एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, पैसे डूब जाने की एंट्री, पैसे डूब जाने के शक की एंट्री कह सकते हैं हम। 4,000 और अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट 4,000, नरेशन लिख दो टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, नेट से। अच्छा ये शो नहीं करना, ये वाला चीज सिर्फ एंट्री बनाने के लिए मैंने बताया 4,000 मैंने कैसे निकाला। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री पढ़ते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन डिसंबर 31, आए आए कहां थी तुम बची हुई मर्चेंडाइज, इसकी तो फिक्स एंट्री बनाते हैं बगैर कुछ ऊपर नीचे देखे। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ये हमारी करंट असेट वाली मर्चेंडाइज होती है। इसका दो काम होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए लेस होती है अवेलेबल फॉर सेल में से, और इसकी जो जद्दी पुश्ती जगह है, जो उसका घर है, बैलेंस शीट, वहां ये करंट असेट के तौर पर जाती है एंडिंग इन्वेंटरी। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अच्छा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की जगह आप इनकम समरी भी लिख सकते हैं, तो भी कोई मसला नहीं। अब देखो ना मॉडल पेपर के साथ साथ मैं आपको इजाफी बातें भी बता रहा हूं, इनकम समरी भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? कोई मसला नहीं है। खैर कितनी अमाउंट बताओ जरा, अमाउंट है 14,000, नरेशन टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज खत्म हो गई। अच्छा उसने रिक्वायरमेंट में बोला टू पार्ट बनाओ, लेकिन हम सब बनाते हैं, बैलेंस शीट तक पूरा मुकम्मल करेंगे, बैलेंस शीट तक पूरा मुकम्मल करेंगे। मॉडल पेपर की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। आइए जरा इसको पहले आप लोग कॉपी कर लें, बल्कि पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। ठीक है मेरा बच्चा? आइए जरा मैंने बोला था ना मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा सवाल की, देखो मैं कर रहा हूं ये काम, इस वक्त 6 बज रहे हैं, 6 नहीं 5:30,
रात के। आइए जरा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा। मैसर्स